24 दिसंबर पांडुरंग सदाशिव साने की जयंती है, जिन्हें उनके अनुयायी साने गुरुजी कहते हैं। पावर ताप तुन तुन्याचा, पावर ताप तुन तुन्याचा, शायर हा महाराष्ट्राचा प्राण, शायर हा महाराष्ट्राचा प्राण, साने गुरुजींचे गातो गुण गाण जी। पांडुरंग साने एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 1899 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। साने ने संभावित रूप से आकर्षक करियर त्याग कर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ाया। उन्होंने विद्यार्थी नाम की एक पत्रिका प्रकाशित की। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा के आह्वान से प्रेरित होकर साने ने अपना शिक्षण व्यवसाय छोड़ दिया और अपना जीवन स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित करने का फैसला किया। छोड़ो भारत चळवळ सुरू झाली, गांधी जींनी प्रेरणा दिली, करेंगे मरेंगे मंत्र, जनतेने खूप दिली बघा साथ, जी ही जी, जनतेने खूप दिली बघा साथ। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र, विशेषकर खानदेश क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के संगठन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। 1930 से 1947 के दौरान साने ने अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। वे 6 साल और 7 महीने के लिए धुले, तिरुचिरापल्ली, नाशिक, यरवड़ा और जलगांव की जेलों में रहे। साने ने विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता की समस्या के संदर्भ में भारतीय भाषाओं को सीखने के महत्व को पहचाना। उन्होंने अंतर भारतीय आंदोलन शुरू किया। उन्होंने थिरुकुरल की प्राचीन तमिल कृति का मराठी में अनुवाद भी किया। पांडुरंग साने ने अस्पृश्यता के मुद्दे पर जागरूकता लाने के लिए पूरे महाराष्ट्र की यात्रा की। मई 1947 में उन्होंने तथाकथित अछूतों के लिए पंढरपुर विट्ठल मंदिर खुलवाने के लिए भूख हड़ताल की। 11 दिन के उपवास के बाद विट्ठल मंदिर के कपाट अंततः तथाकथित अछूतों के लिए खोल दिए गए। महात्मा गांधी की हत्या से पांडुरंग साने अत्यंत दुखी हुए। गांधी जी की हत्या का समाचार सुनकर साने 21 दिन के अनशन पर बैठ गए। राष्ट्र की परिस्थितियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने 11 जून 1950 को अपना जीवन समाप्त कर दिया। चौबीस दिसंबर महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता ईवी रामासामी की भी पुण्यतिथि है, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। एक महान वक्ता पेरियार ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को लामबंद किया। सामाजिक गतिविधियों को समय देने के लिए पेरियार ने सभी सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया, साथ ही आकर्षक पारिवारिक व्यापार को भी छोड़ दिया। खादी के प्रचार और ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के लिए उन्हें कारावास की सजा दी गई। पेरियार लैंगिक समानता के समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी अथक प्रयास किया। रामासामी ने 50 साल से अधिक समय भाषण देते हुए बिताया। उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि सभी नागरिक समान हैं। रामासामी के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश तक तमिल समाज में सांप्रदायिक भेदभाव की गहरी पैठ थी। पेरियार को द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 24 दिसंबर 1973 को पेरियार ने अंतिम सांस ली। आज हम हरभजन सिंह को भी याद कर रहे हैं, जो 1942 में आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। उन्होंने बर्मा के मोर्चे पर द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 24 दिसंबर 1944 को बर्मा में दुश्मन के साथ युद्ध में शहीद हो गए। हम इस वीर शहीद को सलाम करते हैं। दुश्मनों का सर,